हम आपको डाइटिशियन शिवा कुमार के पास लेकर चलते हैं जो आज आपको ओवरऑल फिटनेस के लिए सही डाइट की जानकारी देने वाली है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, पीसीओएस एंड पीसीओडी के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या इन्हें खाना चाहिए ताकि इनको हम ट्रीट हैं जो कर पाएँ। जितनी मेंस्ट्रुएशन हमारी दिक्कतों में आ रही है उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी ब्लोटेड है जो होती जा रही है। तो बॉडी ब्लोटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर की जाए उसके ऊपर बात करते हैं। मेंसेस अगर आपके रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो यस यू आर हैविंग पीसीओडी एंड पीसीओएस, या देर इज़ अ हार्मोन इम्बैलेंस, आपके फेशियल हेयर हैं जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या आपकी आवाज़ है जो बहुत ज़्यादा कोर्स होती जा रही है, तो जी हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है जो हो रही है। उन दिक्कतों को क्योर कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पेल्विक एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है जो होता है तो हाँ आपके ऊपर दिक्कत है जो आनी शुरू हो जाती है या मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि सारा का सारा फैट मेरे टमी एरिया के आसपास आ रहा है तो मेंस्ट्रुएशन में आने में दिक्कत होगी ही होगी। उसको हम कैसे क्योर सकते हैं वो हमारी बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं। फर्स्ट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है जो नहीं कर रहे और कंप्लीट सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे हैं तो भी दिक्कत है जो आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ साथ मुझे आगे क्या क्या खाना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी है, तो उसमें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ टेक योर मील्स प्रॉपरली, जस्ट डोंट स्किप योर मील्स। सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग खाना खाना छोड़ देंगे तो उससे हम पतले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी के कैल्शियम डेफिशिएंसी है ना आनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा जो गर्ल्स खाना खाना बंद कर देती हैं वो एकदम से वेट लॉस ज़रूर कर लेती हैं लेकिन वो फूल जाती हैं, उनकी बॉडी ब्लोटेड होनी शुरू हो जाती है। अगर बॉडी उतनी ही ज़्यादा ब्लोटिंग पे आपकी जा रही है तो आपने कुछ नहीं करना है, अजवाइन का पानी है जो लेना है, तुलसी का पानी है जो लेना है, या अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करना है तो नट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड किए जा सकते हैं। नट्स में हम एक ही चीज़, बादाम है जो बहुत ज़्यादा हाई नरिशमेंट पे मानते हैं कि बादाम खाने चाहिए बादाम खाने चाहिए। जब भी मेंसेस हों प्लीज़ मिक्स नट्स हैं जो खाएं। ये नहीं कि सिर्फ बादाम खाया, आप किशमिश भी खाइए वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस आपके क्लॉट्स जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए किशमिश खाना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने खाना भी अच्छा खा लिया और हम अपने आप को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, सैलड्स हैं जो अच्छे अपनी मात्रा में ऐड किए डाइट में, आप पम्पकिन सीड्स हैं जो ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, चिया सीड्स हैं जो ऐड कर सकते हैं। सीड्स का 1 स्पून डेली खाना ही खाना है ताकि आपकी मेंस्ट्रुएशन है जो रेगुलर होनी शुरू हो जाए। मेंस्ट्रुएशन रेगुलर मतलब हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होना चाहिए। 28 डेज़ का साइकिल या 30 डेज़ का साइकिल है, इट हैज़ टू बी ऑन 1 ग्राउंड, एक लेवल पे, तो उसी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मेंसेस रेगुलर है, क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, यलुकेरिया बहुत ज़्यादा दिक्कत पे आ रही है, तो प्लीज़ हल्दी वाला दूध का सेवन है जो दिन में एक बार ही कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बादाम का सेवन है जो कीजिए, बादाम वाले दूध का। अगर सर्दियाँ हैं, मौसम अच्छा है, तो केसर के दूध का सेवन कीजिए। आपकी बॉडी में जितना डिमिनिश होता जाएगा उतना ही रिफिल होनी शुरू हो जाती है बॉडी। आइए अब बात करें क्या चीज़ें नहीं खानी है उस टाइम ड्यूरेशन पे। बहुत ज़्यादा ठंडे फल जो हम खाते हैं बिल्कुल चिल्ड फॉर्मेशन में खाते हैं उनको नहीं खाइए। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ड फूड्स खाना चाहता हूँ या कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो पीना चाहता हूँ, वो उस टाइम ड्यूरेशन पे हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं। लास्ट अबव ऑल जंक फूड या इम्पैक्ट ऑफ पास्ता, उन 3 से 4 दिनों के बीच में नहीं दीजिए ताकि बॉडी इम्पैक्ट में ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।